नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल के 33वें मुकाबले में जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराया वो शानदार था, लेकिन खास तौर पर एमएस धोनी की तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरीके से उन्होंने आखिरी ओवर में 16 रन बनाए, जयदेव उनादकट के ओवर में लगातार चौके छक्के लगाकर मैच जिताया, उसने एक बार दोबारा से धोनी की एक बार वही पुराना अंदाज नजर आने लगा है। और इसके बाद अब सोशल मीडिया भी धोनी से पट गया है। लोग धोनी को वर्ल्ड कप खिलाने की बात करने लगे हैं, कई दिग्गज धोनी को बोलने लगे हैं कि धोनी को वापस लाओ। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस किस दिग्गज ने क्या कहा। दरअसल माइकल वॉन ने कहा कि एमएस धोनी शानदार और उनसे बेहतर फिनिशर मैंने नहीं देखा। उसके बाद में राशिद खान ने भी धोनी की तारीफ की। उसके बाद में जो रुद्र प्रताप सिंह यानी कि आरपी सिंह जो धोनी के साथ खेल चुके हैं उनकी कप्तानी में, उनका बहुत बड़ा बयान आया। आरपी सिंह का कहना है कि धोनी से रिक्वेस्ट करो उनको वापस लाने के बारे में, कि वो उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो दोबारा से अपने रिटायरमेंट से वापस आकर T20 विश्व कप में खेल सकें। ये रुद्र प्रताप सिंह का कहना है। वैसे जिस तरीके से धोनी ने मैच को फिनिश किया, जिस तरीके से धोनी अपने पुराने अंदाज में नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से वो मैचों को जिता रहे हैं, वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि धोनी को अगर रिटायरमेंट से वापस आ जाए और T20 विश्व कप में टीम इंडिया की तरफ से खेलें तो शायद टीम इंडिया के लिए बेहतर होगा। क्योंकि धोनी का जो अंदाज था, जो पहले धोनी जिस तरीके से मैच जिताते थे, जिस तरीके से धोनी अपने आखिर के ओवर्स में रन बनाकर फिनिश करते थे, दुनिया में उनसे बेहतर फिनिशर आज तक कोई नहीं। क्योंकि जिस तरीके से सबसे बड़ा फिनिशर का दर्जा धोनी को दिया गया है, लेकिन धोनी ने जिस तरीके से आईपीएल 2022 में शुरुआत में धोनी पर सवाल खड़े हो रहे थे, पिछले एक दो सीजन धोनी के बेहतर नहीं गए, लेकिन आईपीएल 2022 में धोनी का वही पुराना अवतार, पुराना रंग नजर आ रहा है। तो आरपी सिंह के इस बयान पर आपका क्या कहना है? क्या वास्तव में आपको लगता है कि धोनी को रिटायरमेंट से वापस आकर T20 विश्व कप खेलना चाहिए? आपका जो भी मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।